इसको एक जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी। इनको टाइप 1 है जो कि सबसे खतरनाक होता है। आराम से बोलिए। अगर इसमें सही समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है 2 साल तक जीवित नहीं रह पाएगा और इसका इलाज का खर्चा 16 करोड़ रुपए है। रोती बिलखती इस माँ को जिसे आपने सुना, उसका 7 माह का बेटा अनमय स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी जैसी जटिल बीमारी से जूझ रहा है। इसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत होती है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। लेकिन वो कहते हैं कि लोगों की दुआओं में बड़ी शक्ति होती है और वो दिखती भी है। इस माँ की गुहार सुनकर जहाँ जनप्रतिनिधि मदद के लिए आगे आए तो सरकार ने भी हाथ बढ़ाया, साथ ही सामाजिक लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मदद की। लेकिन अब इस माँ को किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा, ना ही पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी से गुहार लगानी पड़ेगी। इस मामले पर अयोध्या गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि इस बच्चे का नाम एक लकी ड्रा में आ गया है, जिससे अब अनमय का इलाज आसानी से हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अभय सिंह ने। आज बहुत खुशखबरी की बात है, जिस छोटे से बालक अनमय को हम लोग बचाने के लिए लगे हुए थे, इसके लिए जनमानस, आमजन सभी लोग लग गए थे, जगह जगह चाहे छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, हर समाज जात वर्ग के लोग, जिसके लिए 100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जिस अनमय को बचाने के लिए। आज उस कंपनी ने जो कि हर वर्ष एक लकी ड्रा निकालती है 16 इंजेक्शन का, प्रभु श्री राम की कृपा से, आप सभी लोगों की कृपा से, सहयोग से, आप लोग सभी लोगों के आशीर्वाद से उसका लकी ड्रा में नाम निकल आया है। इसके लिए हम प्रभु श्री राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बालक अनमय को, उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहते हैं। बालक अनमय हमारी शुभकामनाएं हैं। इससे पहले अनमय के इलाज के लिए अमेरिका से 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन मंगाया जाना था। इतनी बड़ी रकम के लिए आम से लेकर खास तक सभी ने सोशल मीडिया का को हथियार बनाया और लोगों से मदद मांगी। अनमय के माता पिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। अनमय की माँ अंकिता सिंह ने सोशल मीडिया पर होते हुए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद फिल्म एक्टर सोनू सूद ने 54 सेकंड का एक वीडियो बनाकर देशवासियों से मदद की अपील की थी। इसके अलावा दिग्गज गीतकार मनोज मुनतसिर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से अनमय के लिए मदद की मांग की थी। वहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह, आप सांसद संजय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह, अयोध्या गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मदद के लिए आगे आए थे। अनमय के पिता सुमित कुमार बैंक कर्मचारी हैं। कई 3 माह पहले अनमय की शारीरिक ग्रोथ में कुछ कमी हुई, परिवार ने उसे दिल्ली के सर गंगाराम और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में दिखाए। वहां पता चला कि अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी टाइप 1 नाम की एक गंभीर बीमारी हो चुकी है जो करोड़ों बच्चों में एक आध को होती है। इस बीमारी के लक्षण मात्र 6 महीने में ही आने लगते हैं और 2 साल के भीतर बच्चे की मौत हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।